कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, इन तीनों को मिला के एक अच्छा व्लॉग बनता है। और इन तीनों में से दो चीज़ तो है मेरे पास, बट तीसरी चीज़ नहीं है, और वो क्या है? वो है स्टोरी टेलिंग। तो इसी चीज़ के चक्कर में मैं आ गया भाई यूट्यूब पे। वैसे तो 3 साल से कर रहा था, बीच में छोड़ दिया था, मन नहीं करा। और साला कोरोना आ गया। कब आया? नवंबर 17 से स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, लगभग 2019। तो स्टार्ट तो कर दिया था मैंने, कैमरा वैमरा सब ले लिया था। बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि उसके बाद मैं कहीं इधर उधर जा नहीं पाया। चलो छोड़ो, रात गई बात गई, लेकिन अब से स्टार्ट करेंगे। वैसे बता दो, मेरा नाम रोहित रावत है और मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और इक्विपमेंट के नाम पे मेरे पास आईफोन 12 है। और मैं बताता हूँ मेरा डेली रूटीन कैसा चाहता है। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, थोड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो भैया मैं आया हूँ काफल लेने। कोई बंदे सोच रहे होंगे कि ये अपनी मोहब्बत के सारात में बात कर रहा है, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शक्ल देख के लड़कियां दूर जाती है भाई, पास नहीं आती। घर वाले ना सुन रहे मैं इसके। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 9 बज रहे होंगे। वैसे सूर्य उदय से पहले उठना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर। बाल बड़े हो रहे हैं अभी, मतलब धीरे धीरे करके। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेड लॉक करवा लूँ। खाना वाना खाती है अभी, उसके बाद आज कोई काम वाम नहीं है, दिहाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी आज कोई, तो चलते हैं फिर कहीं और। लाइट गई हुई है, कुछ दिखाई तो देगा नहीं। वैसे खाने में पता नहीं क्या बना रखा होगा मम्मी ने। नाश्ता तैयार है सुबह का। Eat this food and take some calories. खाना खाने के बाद चलेंगे सब, ठीक है। वैसे मेरे को जो मैंने वीडियो बनाई इस टाइम की, उसमें मेरे को बैकग्राउंड वगैरह अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो राजू रस्तू की वाला मेरे को सीन याद आ गया है 3 इडियट्स से। सोच रहा हूँ इस कमरे में अपना सेटअप बना दूँ, बढ़िया लगेगा क्या? तो अभी मैं अपना फ़ोन लगा रहा था, ईंट वीट में फंसा फुसा के, लेकिन उससे बात नहीं बन रही थी। तो एक मेरे को लगता है कि एक थोड़ा सा पैसा मेरे को लगता है ट्राईपॉड पे खर्च करने का, क्योंकि जब तक यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा ना, तब तक यूट्यूब पैसा नहीं लगाने का, मेहनत करने का बस, कॉन्टेंट स्क्रिप्टिंग में एंड स्टोरी टेलिंग में। तो मैं जा रहा हूँ ट्राईपॉड लेने। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कंपनी का मिलेगा, बट जैसा भी मिलेगा देख लेंगे। तब कपड़े पहन लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो चलते हैं। थोड़ा इसके साथ गलत सीन कर रखा है मैंने, ये जुगाड़ है भाई का। आ
रास्ते में पहुंच गए और मेरे ख्याल से एक तो पुलिस वालों से भी डर लगता है ना भाई, बाइक ऐसी है कि सीधा वो देखेंगे नहीं भाई, बोलेंगे सीधा अंदर अंदर डालो इसको। बाइक भी आए और नज़ारे भी आए। ऐसी कोई है तो नहीं। अरे राहुल भाई की दुकान जा रहा था मैं, जरा यार ट्राइपॉड लेने। तब ट्राइपॉड से बनाया का वीडियो सोच रहा हूँ। सही है, वैसे आईफोन में नहीं है जरूरत इतनी। अरे नहीं यार, मान लो मेरे को खड़ी करनी है कहीं पे तो ये हम रुक गए हैं। क्या कैसे हो? मैंने कहा ये है श्रीराम। सूट वूट मत करो, दिखाओ मत हमको ज़्यादा। और ये दे दो यार ज़रा एक। तो भाई स्टिक ले लिया मैंने, 380 रुपये की आई, उतनी खास तो है नहीं। वैसे दिल्ली में मेरे को लगता है कि ये 150 से 100 रुपये के बीच मिल जाती, बट क्या करें, यहाँ का लाना आना जाना उससे पैसा लगेगा तो थोड़ा महंगा तो देगा इंसान। खैर, और ये ऐसे खुल भी जाती है और इसमें पोर्ट्रेट लैंडस्केप का दोनों का सीन है। तो अब घर चलते हैं। गाइज वेलकम। तो आज हम देने वाले हैं आपको रिव्यू। एक हमारे पास है ये कैमरा स्टिक, फोन स्टिक इसको नॉर्मली बोलते हैं ना, स्पेशली गिम्बल की तरह रहता है लेकिन गिम्बल तो है नहीं, सस्ते जुगाड़ है हमारे ये। तो हमने ये स्टिक लिया, ये लोकल मार्केट से लिया स्टिक। तो लोकल मार्केट से लेने का फ़ायदा ये था कि यार ऑर्डर करते तो काफ़ी टाइम लगता, तो ले लिया, अभी चाहिए थी मतलब। तो अब इसका रिव्यू करने वाले हैं यार कि ये स्टिक कैसी है और क्या है। तो इसका प्लास्टिक के बारे में बात करें तो प्लास्टिक ओवरऑल ठीक है, मतलब उतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है लेकिन ठीक क्वालिटी का है। और बाकी लोहे के बारे में बात करेंगे तो वो भी ठीक है, क्वालिटी सही है, मतलब 300 रुपये में सही है। वैसे दिल्ली में ये चीज़ आपको 100 रुपये में मिल जाती लेकिन थोड़ा यहाँ पहाड़ में तो 300 रुपये में बढ़िया है मतलब। तो इसको हम 10 में से देंगे आपका 6 नंबर। तो भाई थर्ड क्वालिटी का माल मिला है। भाई मैं घर पहुंच गया हूं और अब खाने पीने की बारी है। थोड़ा वहां पे मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिनकी वो शॉप है, तो थोड़ा मेरा वहां टाइम पास चलता है। अदरवाइज मैं काम पे जाता हूं, दिहाड़ी पे यार, समझा करो भाई। हेटी हेलो बोलो पहले। हेलो, सब्सक्राइब करो। माय पार्ट वो थोड़ा काम है। तो यूजली मेरे सारे दिन ऐसे ही जाते हैं, अगर मेरे को काम पे नहीं जाना होता है, दिहाड़ी वाड़ी पे नहीं जाना होता तो मैं घूमने चले जाया करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले दिन।